Hey guys, so in this video I'm gonna discuss difference between int and integer. चाहे मैं int या integer कह लूँ, double या double कह लूँ, float या float कह लूँ, short या short कह लूँ, byte या byte कह लूँ, इन सभी का concept एक ही है। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटो मेन एम यही है कि जो भी बच्चे इस कंसेप्ट से अवेयर नहीं है उन्हें सिंपल और क्रिस्टल क्लियर वे में मैं इस कंसेप्ट के बारे में समझा। एक्चुअली में होता क्या है ना, बहुत से बच्चे जो इस कंसेप्ट के बारे में अवेयर नहीं होते, जब भी वो कोई इंटरव्यू फेस कर रहे होते और इंटरव्यूअर उनसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इंट और इंटीजर के बीच में कोई डिफरेंस है, तो वो सिंपल सा ये कह जाते हैं कि इंट और इंटीजर के बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है, और वो यही गलत हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंट एंड इंटीजर, और वो डिफरेंस क्या है उसे अभी हम डेप्थ में देखेंगे। अब इन दोनों के बीच के पहले डिफरेंस को देखते हैं। अगर मैं इंट की बात करूं तो इंट एक प्रिमिटिव टाइप है और इंटीजर एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है। अब अगर मैं प्रिमिटिव टाइप की बात करूं तो फर्स्टली प्रिमिटिव टाइप उन टाइप को कहा जाता है जो कि किसी लैंग्वेज ने पहले से ही डिजाइन करके रख दिया है और वो हमें प्रोवाइड करवाती ताकि हम उसे अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकें। सेकेंडली प्रिमिटिव टाइप हमें अलाउ करते कि हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। थर्डली प्रिमिटिव टाइप की जो साइज होती है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसका अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसकी मैंने डेटा टाइप रखी इंट, तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज 4 बाइट होगी। एट द सेम टाइम सपोज मैंने कोई दूसरा वेरिएबल लिया और उसकी डेटा टाइप मैंने क्या रखी, उसकी डेटा टाइप मैंने डबल रखी, तो उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज 8 बाइट होगी। मतलब कि प्रिमिटिव टाइप की जो साइज है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है तो उसकी साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। फोर्थली एंड लास्टली प्रिमिटिव टाइप हमें क्या अलाउ करती है कि हम उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि हम उसके थ्रू कोई भी मेथड को एक्सेस कर सके, उसके थ्रू हम कोई भी मेथड को कॉल। अभी जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट था ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बताऊं। अब अगर मैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की बात करूं तो फर्स्टली नॉन प्रिमिटिव टाइप्स उन टाइप्स को कहा जाता है जो कि हमें एज अ प्रोग्रामर डिफाइन करना पड़ता है। इसका सिंपल सा और बेस्ट एग्जांपल है क्लास। क्लास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लास को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स वगैरह रखते हैं, बाद में हम उस क्लास का क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सेकेंडली अगर मैं नॉन प्रिमिटिव टाइप की बात करूं तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हमें अलाउ करती है कि हम उसके अंदर वैल्यूज के साथ साथ मेथड्स भी रख सकते हैं, फंक्शंस भी रख सकते हैं। थर्डली जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की जो साइज होती है ना, हर नॉन प्रिमिटिव टाइप की जो साइज होती है वो सेम ही होती है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, अब उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस रेफर कर रहा होगा ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है वो सभी टाइप के लिए सेम ही साइज का तो होता है। उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जो एक फिक्स साइज अगर मैं जावा में बात करूँ तो क्या होती है, 8 बाइट होती। अब फोर्थ एंड लास्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन प्रिमिटिव टाइप अपने अंदर हमें वैल्यूज के साथ साथ मेथड्स भी रखने के लिए अलाउ करता है, तो हम नॉन प्रिमिटिव के थ्रू मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि हम प्रिमिटिव टाइप में एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप में। इसके साथ ही हमने पहले डिफरेंस को देख लिया कि इंट और इंटीजर में पहला डिफरेंस क्या। अब अगर मैं इन दोनों के बीच के सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो इंट हमेशा वेरिएबल्स के साथ यूज होता है और इंटीजर हमेशा सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, वो कभी भी वेरिएबल्स के साथ यूज नहीं होता। अब अगर मैं इन दोनों के बीच के थर्ड डिफरेंस की बात करूं तो इंट एक तरह की डेटा टाइप है और इंटीजर एक तरह की रैपर क्लास है जावा में। अभी रैपर क्लास क्या होती है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसको हम अभी डेप्थ में देखते हैं कि एक्चुअल में रैपर क्लास होता क्या है। अगर मैं रैपर क्लास की बात करूं तो जावा में हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग 8 स्पेशल क्लासेस है। इन्हीं स्पेशल क्लासेस को रैपर क्लासेस कहा जाता है जावा में। जैसे इन डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इंटीजर क्लास है, डबल डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास डबल क्लास है, फ्लोट डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्लोट क्लास है। इन्हीं स्पेशल क्लास को जावा में रैपर क्लासेस कहा जाता है। अब ये तो बात होगी रैपर क्लास के बारे में, अब हम ये देखते हैं कि रैपर क्लास का एक्चुअली में यूज क्या है, उसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली जावा में रैपर क्लासेस दो मेन पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहला वो किसी भी वैल्यू के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब अगर मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल देखूं तो सपोज मेरे पास दो वैल्यूज है, एक 25 और एक डबल कोट्स के अंदर 25 है, क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक इंट टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक मेमोरी में 4 बाइट लेगा, एक मेमोरी में 2 बाइट लेगा। बट कभी ना कभी मैं चाहूंगा कि मैं स्ट्रिंग वाले 25 को इंटीजर वाला 25 भी बनाऊं, वो नंबर है तो उसको नंबर ही बनाना चाहूंगा मैं, तो इसके लिए मुझे जावा रैपर क्लासेस का कंसेप्ट प्रोवाइड करवाती है। वो हमें अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन टाइप की वैल्यू को अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो उसके लिए मुझे एक मेथड प्रोवाइड करवाता है जिसका कि नाम है पार्स int। ये पार्स int इंटीजर क्लास का एक मेथड है।
तो ये तो था पहला यूज रैपर क्लासेस का। अब सिमिलरली अगर मुझे किसी भी वैल्यू के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को चाहे फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, बाइट में कन्वर्ट करना हो, शॉर्ट में कन्वर्ट करना हो या डबल में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए रैपर क्लासेस ने मुझे अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करवाए हुए। अब अगर मैं रैपर क्लासेस के सेकंड यूज की बात करूं, तो रैपर क्लास के थ्रू हम किसी भी प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे भैया हम ऐसा करेंगे क्यों, तो एक्चुअली में बात यह है ना कि अगर आपको कलेक्शन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो कलेक्शन नेवर डील्स विद वेरिएबल्स, कलेक्शन ओनली एंड ओनली डील्स विद ऑब्जेक्ट। तो मुझे वहां पर करना ही पड़ेगा, मुझे वहां पर किसी भी प्रिमिटिव टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें रैपर क्लासेस भी मेन रोल प्ले करती हैं। सो आई होप गाइस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट और इंटीजर के बीच में क्या डिफरेंस है, डबल और डबल के बीच में क्या डिफरेंस है, फ्लोट और फ्लोट के बीच में क्या डिफरेंस है, बाइट और बाइट के बीच में क्या डिफरेंस। सो आई होप गाइस अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इंट और इंटीजर के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और अब आप इंटरव्यू में गलत आंसर नहीं दे पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।